स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर में, मोशन एंड टाइम चैप्टर में दो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मोशन और आपकी डिमांड में कि सर एक अलग से वीडियो बनाई, मैंने ये सोचा कि अलग से वीडियो बना। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड इंटरवल। ऐसा मोशन, ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराता हो वह क्या कहलाता है? आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसमें दो तीन एग्जांपल हमने लिए हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो अर्थ है ये सूर्य की परिक्रमा लगाती है, और एक ये पथ है परिपथ जिसे कहते हैं, पृथ्वी का परिपथ। इसमें ये बार बार घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। मान लीजिए इस रास्ते से गई और फिर घूम के फिर इसी रास्ते पे आई, क्या कह रहा है? मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड इंटरवल। इसी रास्ते पे बार बार चल रही है, बार बार चल रही है, इसको हमने क्या कहा? आवर्ती गति का या पीरियडिक मोशन का। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया मोशन ऑफ ऑन ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की सुइयां हैं। आप देखिए 12 बजे पे है और ये इधर है, ये इधर से घूमेगी, ये इधर से ऐसे में घूमती हुई आएगी, इधर जाएगी, फिर ये इसी रास्ते को इधर को घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमते ये वाली भी और ये वाली, ऐसा नहीं कि इधर से घूम जाएगी। रिपीट्स विद अ फिक्स्ड इंटरवल, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। जो तीसरा एग्जांपल हमने लिया सिंपल पेंडुलम लिया, यहां पे ये स्वतंत्र खड़ा है बॉब, ये धागे से बंधा हुआ, इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। जब इसको हिट करते हैं तो पहले इधर जाता है, जाके फिर इधर आता है, और फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, बार 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 इसी पे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसको हमने क्या कहा? पीरियोडिक मोशन। जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? कह रहा है इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली ऑन द सेम पाथ, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रही है, ठीक है। उसको जैसे हमने उस समय जब क्लास के अंदर बताया था कि जो धावक का हाथ है वो क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हमने पीरियोडिक भी कहा और ऑसिलेटरी भी कहा। अभी हम आपका यहां कंफ्यूजन दूर करेंगे कि इसको पीरियोडिक भी करें, बार बार आ रहा है, जा रहा है, पीरियोडिक हो गया, और टू एंड फ्रो हो रहा है, ऑसिलेटरी हो गया। यहां भी एग्जाम्पल हमने सिंपल पेंडुलम का लिया और स्प्रिंग का लिया। सिंपल पेंडुलम है, देखिए यहां पर स्वतंत्र खड़ा है, फ्री, और जैसे ही इसको हम हिट करेंगे पहले इधर की तरफ जाएगा, फिर वहां से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक इसी तरह स्प्रिंग का भी। स्प्रिंग को यहां से बांध दिया स्टैंड से, एक ब्लॉक यहां लिया, यहां फिक्स कर दिया, यहां पे स्प्रिंग लगाया, और दूसरा ब्लॉक लिया, यहां तीसरा ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को, ए ब्लॉक को हमने खींच के लाया बी तक, और यहां तक गया ये, फिर ये आएगा, इससे हिट करेगा, फिर ये आगे पीछे इसमें होगा। इस तरीके के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब डिफरेंस क्या है ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में? ये नहीं लिए पीरियोडिक मोशन है, अपने रास्ते को बार बार दोहराता है, ये पीरियोडिक मोशन है, और जो ऑसिलेटरी मोशन है वो आगे पीछे होता है। यहां पे ये पीरियोडिक तो है ऑसिलेटरी नहीं है, यहां पे ये पीरियोडिक तो है ऑसिलेटरी नहीं, लेकिन यहां पे ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी, क्योंकि ये बार बार आ रहा जा रहा है और टू एंड फ्रो भी हो रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो जो आगे पीछे नहीं हो रहा वो पीरियोडिक है, बार बार आ रहा है जा रहा है वो पीरियोडिक है, और जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक ही पाथ पे ऑन सेम पाथ, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।